Community Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि एक शायर ने कहा है कि जिंदगी शमाए मानिंद जलाता हूं दीपक, खुद तो जलता हूं मगर दूसरों को रोशन कर देता हूं। और एक रोशनी अंधेरे से उजाले की ओर, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5 अप्रैल को रात 9:09 के लिए दीपक जलाने का आह्वान किया है, जिससे कि हम अंधेरे से, जो हमारे मानसिक रूप से या हम जो शरीर के अंदर से जिस तरह अंधेरा हो रहा है, लोगों में थोड़ी सी मायूसी हो रही है कोरोना को लेकर, उसको अगर हम उजाले की ओर ले जाएंगे तो और हमारे जो आंतरिक शक्ति है वो मजबूत होगी। और इसको लेकर आप और हम आज सभी 9 बजे रात को 9 मिनट के लिए कम से कम एक दीपक, मोमबत्ती या टॉर्च जरूर जलाएं। आज सिटी लाइव में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं देश के जाने माने व्यवसायी आशीष बरुआ जी और आर्थिक विश्लेषक अभिषेक शर्मा जी। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है सिटी लाइव में। सबसे पहले, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली से आह्वान किया है दीपक जलाने के लिए, तो हम सबसे पहले चलते हैं आशीष बरुआ जी के पास। आशीष जी, क्या आज रात को 9 बजे आप भी दीपक जला रहे हैं और देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? दीपक जी, पहले तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हम सब सर क्वारंटाइन में हैं और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने पूरे देशवासियों का आह्वान किया है कि सारे 9 बजे 9 मिनट के लिए दीपक जलाए। देखिए दीपक जी, ये दीपक जलाना बेसिकली हमारा ये पूरे के पूरे इतने देर दिन तक हम सारे क्वारंटाइन में बैठे, कर्फ्यू में बैठे, हम मानसिक रूप में और ऐसे भी कभी ये अपेक्षा नहीं कहते इतने दिन के लिए बैठेंगे, तो सबके मन में कुछ ना कुछ भावना चल रही है। क्या बिजनेस कैसा होगा, क्या आगे कामकाज कैसा होगा, क्या जॉब में रहेंगे नहीं रहेंगे, जॉब से छुट्टी तो नहीं हो जाएगी। ये सब कारणों को निकालने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक उजाला की तरह सबके अंदर एक जागृत किया है। दीपक के प्रति क्या एक ज्ञान का एकत्रित करने का, ये दीपक जलाना सिर्फ सीमित तत्व नहीं, ये दीपक जलाकर हम पूरे भारतवासियों के एकत्रित एक साथ मिलकर हम फाइट करने की, उस मुकाबले के तरह आगे बढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम सारे मिलकर ही इस कोरोना वायरस को हमारे देश से पूरे एक बार के लिए खत्म करेंगे, इस दृढ़ शक्ति के लेकर ये आज दीपक जलाया जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें कोरोना से लड़ना है। अभिषेक जी, जो कि देश के जाने माने आर्थिक विश्लेषक हैं, आज हमारे बीच मौजूद हैं। अभिषेक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जहां एक तरफ पहले ही पूरी तरह से व्यवसाय जो है वो डाउन चल रहा था और अब कोरोना की वजह से लगातार जो लॉकडाउन, पूरा देश और पूरी दुनिया एक तरह से लॉकडाउन है, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में आप आर्थिक स्थिति के रूप में या आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह अपना मैनेजमेंट करें आर्थिक रूप से और किस तरह अपने व्यवसाय में या किस तरह अपने और दूसरी चीजों में वो बढ़ोतरी कर पाएंगे? देखिए दीपक जी, कि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो समय चल रहा है अभी व्यापार के लिए, उद्योग के लिए समय बहुत कठिन है। ना केवल व्यापार और उद्योग बल्कि जो आम आदमी है वो भी आज अपने घरों में सब लोग बंद है। सब लोग, जो मोदी जी ने लॉकडाउन का आह्वान किया है, राज्य सरकारों ने लॉकडाउन का आह्वान किया है, सब लोग अनुशासन से उसका पालन करने में लगे हुए हैं, तो समय अभी अनुकूल नहीं है व्यापार उद्योग धंधों के लिए। पर चूंकि सरकार भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इन मैटर्स को लेकर, सरकार भी समझती है, सरकार भी जानती है इस समय कितनी आवश्यकता है व्यापारियों को, लोगों को सरकार की, तो बहुत सारी राहतें सरकार ने बात करी है, प्रदान करी है। अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूँ तो व्यापारियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो लास्ट डेट 31 मार्च होती थी उसको बढ़ाकर वो आगे लेकर गए हैं। इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं टैक्स बचाने के लिए, उसके लिए 31 मार्च होती है, उसको बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। और बहुत किसी प्रॉपर्टी अगर बेची है उसको इन्वेस्टमेंट करना, डेट बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। बहुत सारी राहतें इनकम टैक्स सरकार ने दी। जीएसटी अगर हम लोग बात करें, एक देश एक कर की बात करें, तो जीएसटी में कंफ्यूजन ये था लॉकडाउन है, व्यापारी कैसे रिटर्न फाइल करेंगे, तो सारी रिटर्न भरने की जो डेट है मार्च अप्रैल और मई की आपको बढ़ाकर जून कर दी गई है। सरकार कंपनी एक्ट में भी नई स्कीम लेकर आई है, पुराने जो कंपनियां बंद पड़ी है उनको आप वापस से स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी पेनल्टी, बिना किसी चार्जेस के। सरकार ने बैंक से भी, बैंक आरबीआई ने भी अपने राहत भरा कदम उठाया है, सारे लोन सारे इंस्टॉलमेंट को 3 महीने तक डेफर करने का ऑप्शन दिया है। तो कुल मिलाकर सरकार पूरा भरसक प्रयास कर रही है, जो भी सरकार को उन परिस्थितियों में करना चाहिए
और जो भी एक व्यापार उद्योग धंधे के आम आदमी के लिए बेहतरी हो सरकार करने का पूरी कोशिश की। बिल्कुल अभिषेक जी, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं और सरकार भी जानती है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि अभी सरकार ने 3 महीने तक, जैसा कि आपने खुद ने बताया कि जो उनकी ईएमआई है उनमें भी कुछ रियायत दी है, और राजस्थान सरकार ने भी जो बिजली के बिल और पानी के बिल हैं वो 2 महीने के लिए आगे स्थगित कर दिए हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा जो आम जनता इस समय हमको देख रही है उसका एक सवाल ये है कि बहुत सी बैंकों ने तो उनकी जो किश्त है या जो ईएमआई है उसको आगे बढ़ा दिया है, लेकिन बहुत सी जगह उनका पैसा काट लिया गया है, तो इसमें वो कहां पर अपनी शिकायत दर्ज करें, कहां पर इसकी सूचना दें जिससे कि उनको आने वाले दिनों में जो इंस्टॉलमेंट है वो आगे पे कर दें, अभी पे ना करें, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका दीपक जी। तो लगभग सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान कर दी है, क्योंकि आरबीआई ने डायरेक्शन दिया है बैंकों को, और हर बैंक ने अपने जो भी ग्राहक जिन्होंने बैंक से लोन ले रखे हैं सबके मोबाइल पर मैसेज भी किया है, सबके मोबाइल पे मेल भी किया है, और अपना ऑप्शन का लिंक दिया है, जो भी ग्राहक, जो भी व्यवसायी, जो भी जिसने भी लोन ले रखा है वो अगर ऑप्शन एक्सेप्ट करना चाहता है, अपने बैंक की किस्त को, इंस्टॉलमेंट को आगे डेफर करना चाहता है, तो ऑप्शन एक्सेप्ट करे, लिंक पे जाए, वहाँ फॉर्म भरे और बैंक को सबमिट करे। बहुत सारे बैंक ने अपनी ईमेल आईडी भी दिए हैं, जो भी अगर जो भी इंस्टॉलमेंट पे ही है अगर वो चाहता है इंस्टॉलमेंट को आगे डेफर करना तो उस ईमेल पे आकर वो मेल करे और बैंक डेफिनेटली उस इंस्टॉलमेंट को आगे डेफर कर देगी। तो जिन लोगों ने अभी तक इस रियायत का इसका फायदा नहीं उठाया है बहुत जल्दी इसका फायदा आगे उठाएं, जो बैंक की ईमेल आईडीज हैं उसमें जाके बात करें, अगर उनके पास कोई मेल या कोई मैसेज नहीं आया है तो बैंक का कोई कस्टमर केयर नंबर है उस पर बात करें और डेफिनेटली उनको वहां जानकारी मिल जाएगी, और आज भी दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक उनसे जो उनकी किस्तें हैं उसको आगे लेंगे और वर्तमान किस्तें चार्ज नहीं करेंगे। बिल्कुल अभिषेक जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, उससे पहले हमारे साथ एंटरप्रेन्योर आशीष बरुआ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली में अभी क्या हालात हैं, दिल्ली में अभी किस तरह की स्थिति है, सरकार केजरीवाल सरकार है उसने क्या क्या रियायतें दी हैं आम लोगों के लिए, व्यवसायियों के लिए, और इससे कि दिल्ली में इस समय जो हमारे बहुत से लोग जो है लगातार हमको ईमेल भी करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजते रहते हैं सिटी लाइव के माध्यम से भी, तो हम उनके लिए जानना चाहेंगे दिल्ली में अभी क्या वास्तविक स्थिति है। देखिए दीपक जी, अभी तो केजरीवाल जी अभी प्रायोरिटी है कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए, कैसे उसको फाइट करके हटाया जाए, ऐसा सभी कुछ डिक्लेरेशन जो केंद्र से है, उसके अलावा अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल कुछ इंसेंटिव नहीं दिया हुआ है, और मेरा ये मानना है कि बेसिक से सेंटिमेंट है, इकोनॉमिक ऑलवेज सेंटिमेंट पे चलता है, बेसिक मुझे लगता है जब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तब तक इकोनॉमिक ये अपग्रेड नहीं हो पाएगा, हमारे लिए ये आने वाले समय थोड़ा चैलेंजेस है, और मेरा ये पर्सनल राय है जब तक जैसे कि भारत जितने भी छोटे छोटे व्यवसायी जो एमएसएमई सेक्टर्स जो बंद पड़े हुए, मैं चाहता हूँ कि वो सारे सारे एमएसएमई को गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे, वो फिर से आगे बढ़कर ये जितने भी एमएसएमई सेक्टर खुले और देश के लिए, कभी भी दीपक जी कभी भी मान ली कभी छोटे छोटे व्यवसायी जो है वो इकोनॉमी को चलाते, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर कभी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं चलाते जितने छोटे सेक्टर चलाते, जो कि मेरा मानना है। तो अभी तक केजरीवाल अभी तक कोई ऐसा कोई बेनिफिश और कोई ऐसा अभी निकाला नहीं है, हो सकता है आने वाले समय पे वो कुछ केजरीवाल जी कुछ अपना डिक्लेरेशन दे। बिल्कुल आशीष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि देश की जो इकोनॉमी है, देश को जो मुख्य रूप से चलाते हैं वो छोटे छोटे जो व्यवसायी होते हैं वो देश की आर्थिक स्थिति को चलाते हैं। हमारे साथ क्योंकि आर्थिक विश्लेषक अभिषेक जी भी मौजूद हैं, अभिषेक जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी राय में आप सरकार को और आम जो छोटे या बड़े व्यवसायी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी लगातार देखिए लॉकडाउन चल रहा है जिससे किसी भी तरह का जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं हो पा रही है, अब कुछ दिन के बाद यानी 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद जब भी वापस प्रोडक्टिविटी शुरू होगी तो वापस हमको उबरने में कितना समय लग जाएगा, आपकी सोच क्या है कितने समय में हम वापस से ट्रैक पर आ पाएंगे? दीपक जी, ऐसा है कि अगर हम लोग बात करें कि हमको लॉकडाउन से उबरने में कितना समय लगेगा और बाद में नॉर्मल होने में कितना समय लगेगा, तो आप मान के चलिए कि ये जो 21 दिन का या फिर लॉकडाउन का पीरियड अगर बढ़ता है स्टेट के अनुसार, इस लॉकडाउन से उभरने के बाद भी कम से कम आगे वाले 5-6 महीने बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि उद्योगों को, व्यापारों को जिनके पास ऑर्डर थे सबके ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, प्रोडक्शन बंद हो गया है, आगे सप्लाई नहीं हो रही, एक्सपोर्ट बंद हो गए हैं,
इम्पोर्ट, पूरा विश्व लगता है एक ठहर सा गया है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ठहर सी गई है, क्योंकि भारत भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर काम करता है, तो भारत भी कहीं अछूता नहीं रहा है इससे। सारे क्रियाकलाप एक तरह से रुक से गए हैं, कम से कम 6 महीने वापस से लगेंगे, क्योंकि लेबर बहुत सारे लेबर ऐसी है जो तो अपने होम टाउन में माइग्रेट हो गई है, लेबर वापस आएगी, उद्योग स्टार्ट होंगे, कॉन्फिडेंस लेबर के अंदर व्यापारियों के अंदर आएगा कि सब कुछ नॉर्मल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग यूज करेंगे, कुछ समय लगने वाला है, कम से कम 6 महीने इसमें लगेंगे मुझे। पर जो कदम है केंद्र सरकार के, या हम बात करें हम लोग राज्य की सरकारों को, राजस्थान सरकार की बात करें, तो जो कदम सरकार ने उठाए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए, बहुत उल्लेखनीय कदम उठाए, बहुत योगदान वाले कदम सरकार के हैं, और सरकार अगर सपोर्ट करती रही तो मुझे लगता है कि जो 6 महीने का पीरियड हम लोग मान के चल रहे हैं, जो मंदी आगे रहने की आशा है, हो सकता है वो 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल आशीष जी, हम क्योंकि किसी भी देश को या किसी भी राज्य को चलाने के लिए वहां की जो सरकार होती है उसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जो है रोल होता है, और यहाँ पर अगर हम पुरानी चाणक्य नीति की भी बात करें तो मुझे लगता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या जो हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको निश्चित रूप से चाणक्य से नीति से कुछ ना कुछ ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आम जनता के ऊपर सरकार के टैक्स का दबाव जब बढ़ता है तो जो है सरकार भी फेल होती है और आम जनता भी जो है उसके कर्ज के तले दब जाती है। तो आप हमारी सरकारों को या जो जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी समय समय पर आप जैसे आर्थिक विश्लेषकों से राय लेते रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी अलग अलग बैंकर से और व्यवसायियों से और आर्थिक सलाहकारों से सलाह लेते रहते हैं, तो आने वाले दिनों में आप क्या सलाह देना चाहेंगे सरकारों को और आम जनता को कि वो किस तरह से टैक्स में राहत दे सकती है जिससे कि आम जनता का जो काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे। देखिए दीपक जी, बहुत जनता का सरकार की बात है। जी जी आशीष जी, जी, जी अभिषेक जी, अभिषेक जी बोलिए, आप बोलिए। आज जहां तक सरकार की बात है, मुझे लगता है कि सरकार बहुत शुरुआत कर चुकी है राहत भरे कदम उठाने के लिए, और आगे सरकार को जो प्रयास करने चाहिए, जैसे बहुत सारे व्यवसायियों का मानना है कि सरकार ने जो लेबर को पेमेंट करने के लिए मैंडेटरी कर रखा है कि हर व्यवसायी को अपने लेबर को पूरी तनख्वाह, पूरी सैलरी, पूरा वेतन देना पड़ेगा, अपने कर्मचारी सैलरी देना पड़ेगा, पर आगे से उनके पास पेमेंट नहीं आ रहा है, व्यवसाय ठहर सा गया है, बिजनेस चल नहीं रहा है, वर्किंग कैपिटल सारी अटक गई है, कोई चिंता ये भी सता रही है कि वो पेमेंट कहाँ से लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो वेतन देना है लेबर को, कर्मचारियों, कहीं ना कहीं व्यवसायियों की आशा है कि सरकार उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे, एक परसेंटेज उसको सरकार भी कंट्रीब्यूट करे, नंबर वन। नंबर सेकंड, अगर हम लोग बात करें बिजली के बिलों की या पानी के बिलों की, तो एक फिक्स चार्जेस बिजली के बिलों और पानी के बिलों में आते हैं, वो बहुत सारे राज्य सरकारों ने डेफर कर दिए हैं, पर व्यवसायियों की मांग ये है कि सरकार इसको डेफर नहीं करे, बल्कि उस पर्टिकुलर पीरियड जो लॉकडाउन पीरियड रहता है, जो मंदी का पीरियड रहता है, सरकार उस चार्जेस को बियर करे और चार्जेस व्यापारी पर नहीं लगाए। ऐसे बहुत सारी मांग व्यवसायियों की रहती है और ये पूरा करना चाहिए। जहां तक हम लोग सरकार के एंगल से सोचने की बात करें कि व्यवसायियों से, उद्योग धंधों से, आम आदमी से उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो सरकार, आपको पता है इस समय सरकार ने बहुत सारे फंड खोल दिए हैं अपनी राहत देने के लिए, पर फिर भी कहीं ना कहीं सरकार को रिक्वायरमेंट से बहुत फंड की, हमने देखा है पीएम रिलीफ फंड में, सीएम रिलीफ फंड में बहुत सारे लोग दिल खोल कर दान दे रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहां ताकि सरकार कर पाए बीमारी से बचने के लिए। तो सरकार की भी मंशा यही है कि आम आदमी, आम व्यापारी, आम कर्मचारी सरकार के साथ आए, और कुछ समस्याएं भी लॉकडाउन में अगर उनको है, कुछ समस्याएं फिर में चल रही है, सरकार का साथ दे, छोटी समस्याओं को इग्नोर करें, क्योंकि जो बड़ा रास्ता हमको तय करना है, छोटी छोटी मुश्किलों का सामना हमको करना ही पड़ता है। निश्चित तौर पर चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो आम जनता के लिए तत्पर खड़ी है, सारी सुविधाएं जो है सरकार ने अपनी तरफ से खोल दी है, और जो अपना खजाना है वो भी सरकार ने आम जनता के लिए खोल दिया, तो निश्चित रूप से हम इस कोरोना से जरूर जीत पाएंगे। आशीष जी, क्योंकि व्यवसायी हैं आप, और हम बहुत से हमारे लोगों के पास सूचना भी आती रहती है और जानकारी मिलती रहती है कि जो व्यवसायियों को ये कहा गया है कि वो अपनी लेबर्स को जो है पूरी सैलरी दें, वो सैलरी काट के ना दें, लेकिन अभी देखा गया है कि कुछ व्यवसायियों ने सैलरी पूरी नहीं दी है और वो सैलरी भी काट के दी है, तो इसके लिए आप क्योंकि व्यवसायी हैं, आप कई एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, तो आपकी क्या मांग है, आप क्या कहना चाहेंगे उन दूसरे व्यवसायियों को जो कि इस समय लेबर्स की सैलरी को काट रहे हैं? देखिए जी, दीपक जी, बहुत सही आपने प्रश्न पूछा है आपने,
लोगों के सेंटिमेंट्स अभी देखिए 24 मार्च से अभी अभी बंद हुए, तो मुझे तो लगता है कि 24 मार्च तक ये पेमेंट तो सारे सारे व्यवसायी जितने भी अपने लेबर्स को पेमेंट कर देंगे। मैं फिलहाल चिंता कर रहा हूँ जी कि आने वाले अप्रैल मंथ के लिए, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा इनिशिएटिव लेके इस टाइम में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम करके जितने भी व्यवसायी को लोन दिया जाए, जो लोन जितना लोन उनको पेमेंट करेंगे वो लोन इमिडिएटली मार्केट में आएगा, तो उनकी सेंटिमेंट एक थोड़ा क्रिएट होगा, सेंटिमेंट क्रिएट होगा तो इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और इस इकोनॉमी के असर से पटरी में आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी मेरे ये था कि जैसे अभिषेक सर ने बताया, अभिषेक जी ने बताया कि बेसिकली जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है इनके जितने भी बिजली के अभी जो सेस चार्जेस है, ये फिक्स चार्जेस है, वो इमिडिएटली उसको हटा के रिवाइव करनी चाहिए, बड़े बड़े कंपनीज को दोबारा बुलाने के लिए उनको, ये जो छोटी छोटी चीजें अगर गवर्नमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है तो हम 2-3 महीने के अंदर अंदर रिवाइव कर जाएंगे। और मेरा ये पर्टिकुलरली मानना है आने वाले समय भारत के लिए एक सोना की सोने जैसे उभर के उठ के आएगी भारत, क्योंकि आने वाले समय में यूरोपियन मार्केट ऑलरेडी क्रैश हो चुकी है और अब नेक्स्ट नहीं है चाइना और इंडिया, बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर आएंगी, तो हमारे लिए अब जो ये पॉइंट है वेरी गोल्डन पीरियड है आने वाले समय को, उसको हमें कैसा उसको बिल्कुल इनकैश करना है वो हमें। जी दीपक जी, हाँ, निश्चित तौर पर आने वाले दिन जो है हमारे देश के लिए बहुत ही सुखद होंगे और एक नई दिशा की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि आज ही ट्रंप ने, अमेरिका ने जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा है कि वो भी हमें कोरोना से बचने के लिए सपोर्ट करें, हमें मदद करें। तो एक जो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है वो जब भारत को ये बात कह रहा है, तो ये हमारे लिए भी एक बड़ी बात है कि वो हमसे, भारत से जो है पूरी तरह से सलाह मांग रहा है। और हम इस कार्यक्रम, क्योंकि अब थोड़े समय के बाद 9 बजने वाले हैं, सभी लोग अपने अपने घरों से दीपक जलाने की तैयारी करेंगे। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो सारी हमारी आयकर को लेकर या दूसरे जो आर्थिक मामलों को लेकर बात हो गई, अब चलते चलते हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आप किचन के अंदर भी रहते होंगे, किचन के बाहर भी रहते होंगे, आपकी क्या दिनचर्या रहती है, ये हमारे दर्शक जो है जानना चाहेंगे। दीपक जी, आपने बड़ा विचित्र सा प्रश्न बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। मैं चाहता हूँ कि उन लोग को कहना चाहूंगा जो अपनी निजी जिंदगी में, भागदौड़ की जिंदगी में कहते थे कि हमारे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है, उन लोगों के पास अभी बहुत फुर्सत ही फुर्सत है। और उनको अभी महसूस होता है कि इस समय हम क्या करें, बहुत अच्छा समय दिया है ये इंट्रोस्पेक्ट करने का, अपने आप के बारे में बात करने जी का, अपने आप से बात करने का। सुबह शाम हम लोग योगा प्राणायाम कसरत कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। दिन में हम हमारी कुछ भगवान की पूजा पाठ, अध्यात्म में जो जिस धर्म को मानता है वो अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं सुबह के टाइम में। उसके बाद कुछ समय हम अपनी श्रीमती जी के साथ, अपने परिवार के साथ किचन में भी व्यतीत करता हूँ, कुछ बनाने का शौक है, खाने पीने का हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, साथ में बैठ के गवर्नमेंट ने जो जी रामायण महाभारत शुरू कर दी देखने की कोशिश करते हैं। कुछ समय में ऑफिस में अपने क्लाइंट से, अपने फोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू अपने क्लाइंट से, अपने स्टाफ से बात करके कनेक्ट रहता हूँ, क्या नया अपडेट आ रहा है, क्या काम कैसे चल रहा है। कुछ परिवार के साथ खेलते समय, गेम्स खेल के समय बिताता हूँ, तो बहुत अच्छा एक समय है जिससे एक अच्छी दिनचर्या वापस से हमको बिताने का मौका मिल रहा है। हाँ, क्योंकि जो समय जिस रूप में आया वो रूप सही नहीं था, कोरोना सही नहीं था, पर फिर भी जो मौका हमको मिला है उसको पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। दीपक जी, बिल्कुल, घर की महाभारत को रोकने के लिए किचन में चले जाना चाहिए। आशीष जी, अभी थोड़ी देर पहले किचन में कुछ स्वादिष्ट चीज बना के आए थे। आशीष जी, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? देखिए जी दीपक जी, बहुत ही आपने सही प्रश्न पूछा, जो हमें हम पूरे अपने भागम भार जिंदगी के अंदर का जो समय नहीं दे पाते थे वो आजकल पूरा हमारे बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत हो रहा है, जो कि सुबह से शाम तक पूरे हम व्यस्त होते हैं। कभी कभी आज संडे है, हमें ये भी नहीं पता चला कि आज संडे है या नहीं है, हमें पूरे दिन एक जैसे ही लगना शुरू हो गया। तो सुबह से ये हाथ बटाना तो ये पहले जो नहीं कर पाते थे, हमें अब पता चल रहा कि हाँ कि घर में रहते हुए भी कितने सारे काम, जरूरत के काम हो सकते हैं और करते पूरे दिन कैसे निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता है। तो सारा दिन इस तरीके से बच्चों के साथ घर के काम ये सब करके पूरे कैसे समय व्यतीत हो जाता है कुछ नहीं पता चलता दीपक। बिल्कुल आशीष जी, आपने और अभिषेक जी आपने समय निकाला सिटी लाइफ के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमारे दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए,
क्योंकि आप घर के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेगा आपका परिवार, समाज और देश। लगातार समय समय पर हाथ वॉश करते रहिए और सोशल डिस्टेंस की जो बात है वो सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, दूरी जो है वो बनाए रखिए। अगर अपनों के साथ आपको पूरी जिंदगी आगे बितानी है तो अभी कुछ दिनों के लिए दूरी जरूरी है। और अब हम समय समाप्त कर रहे हैं और आप एक दीपक जलाने का जो काम है वो निश्चित रूप से शुरू कीजिए, ताकि आपके अंदर हमारे अंदर वो ऊर्जा आए, वो शक्ति आए कि हम किसी भी तरह के वायरस से लड़ सकें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। City Live, a platform to sharing your thoughts.